हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आई एफ एस माई सेल्फ हिमांशु एंड यू आर हीयर फॉर द फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान हम लोग जो भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं राजस्थान के मंडे को पहले लेक्चर में हम मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया था कि व्हाट वी आर गोइंग टू रीड थ्रू आउट द वीक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो पहला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश को पढ़ा था गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एवरीवन आई वेलकम एवरीवन सभी का स्वागत है हेलो सिद्धार्थ गुड आफ्टरनून वेलकम तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पश्चिमी मरुस्थली, मरुस्थली प्रदेश जो वेस्टर्न सेंडी प्लेन्स या फिर वेस्टर्न एरिड रीजन या फिर वेस्टर्न डेजर्ट रीजन आप किसी भी रेगिस्तानी प्रदेश कुछ भी नाम दे सकते हैं जो सूखा प्रदेश है ओके तो हम लोगों ने कल वो पढ़ा था आज हम लोग क्या करेंगे अरावली जो पर्वतमाला है अरावली माउंटेन रेंज है उसके बारे में पढ़ेंगे तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी के जो बैचेज है असिस्टेंट प्रोफेसर के वो लॉन्च हो चुके हैं आई के ऊपर और जियोग्राफी इकोनॉमिक्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जूलॉजी बोटनी केमिस्ट्री इन सबके आपके लिए जो है बैचेज लॉन्च हो चुके हैं सलोनी रश्मा गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून स्टे कनेक्टेड बीच में किसी को नहीं जाना है स्टार्टिंग में सब लोग आते हो, फिर चले जाते हो ओके तो बीच में सेशन को नहीं छोड़ना है चलिए तो आज हम लोग थोड़ा सा थोड़ा सा कल टाइम कंस्टर्न की वजह से टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से कल थोड़ा छूट गया था हमारा वेस्टर्न जो आ, एरिड रीजन है वेस्टर्न प्लेन्स वेस्टर्न डेजर्ट रीजन हमारा छूट गया था तो उसको हम थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं आपके लिए ठीक है हम लोग जो वेस्टर्न डेजर्ट रीजन पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी थी तो थोड़ा जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं ठीक है देखिए कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सहारा है ये अरब प्रदेश अरब ये ईरान और यहां पर थार और ये किसके पार्ट थे कोई बताएगा कमेंट के अंदर ये किसके पार्ट थे ये जो चारों जो डेजर्ट है वो किस एक बड़े भूभाग के प्रकार है कोई बताएगा देखो मैं बता देता हूं ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन डेजर्ट ठीक है ये किस ये सहारा अरब डेजर्ट ईरानियन डेजर्ट और थार डेजर्ट है वो किसके पार्ट है ग्रेट पेलियो आर्टिक अफ्रीकन डेजर्ट के प्रकार है याद रह जाएंगे ये क्वेश्चन आया हुआ है तो अभी भी नेक्स्ट टाइम अल्टरनेटिव एग्जामिनेशन आपके अंदर पूछा जा सकता है तो आप जरूर इसको सही करके आइएगा ठीक है चलिए उसके बाद में हम लोगों ने देखा था देखिए कल लोकल जो नेम्स होते हैं निक नेम्स होते हैं जिसको उपनाम बोलते हैं क्या बोलते हैं उपनाम कल मैंने बताए थे मैं जल्दी से रिवाइज वापस कर देता हूं आपके लिए देखो चोलिस्तान चोलिस्तान कहां कहा बोला जाता है पाकिस्तान के अंदर थार डेजर्ट को चोलिस्तान बोला जाता है क्यों क्योंकि आपको पता है जैसे थार यहां पाकिस्तान है ठीक है जो डेजर्ट है वो इस तरह से फैलता 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 पाकिस्तान के अंदर भी है तो पाकिस्तान के अंदर जो थार डेजर्ट है उसको क्या कहा जाता है चोलिस्तान क्या बोलेंगे चोलिस्तान याद रखिएगा ठीक है, फिर थार डेजर्ट का नाम थार क्यों पड़ा थार? ये जो है ये नाम क्यों पड़ा इसलिए रखा गया क्योंकि थार पाकर नाम का एक जिला है राजस्थान पाकिस्तान के अंदर इसलिए इसका नाम थार डेजर्ट रख दिया गया थार, थार डेजर्ट नाम पड़ गया और जब पहले से कुछ चीज नामकरण हो जाता है तो वो कंटिन्यूस रहता है ओके थार पाकर एक गाय की नस्ल का भी नाम है काउ काउ ब्रीड भी है एक जो बच्चे लाइव देख रहे हैं जरूर इस सेशन को लाइक कीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आईएफएस को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए जो भी चैनल पर आप देख रहे हैं ठीक है चलिए और राजस्थान के अंदर थार डेजर्ट को क्या कहा जाता है थली डेजर्ट क्या कहा जाता है फली प्रदेश ठीक है गॉट इट और मरुस्थली मरुस्थली जो शब्द है मरुकांतर जिसको बोलते हैं मरु क्या था मरुकांतर देखिए जरूर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मरुकांतर हिंदी में इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं मरु ये जो शब्द वाल्मीकि जी के द्वारा वाल्मीकि ऋषि के द्वारा रामायण के अंदर राजस्थान के लिए प्रयुक्त हुआ था यूज किया गया था मरुकांतर प्रदेश ठीक है ओके समझ में आ रहा है हाँ, सलोनी वे वेरी गुड वेरी गुड की पार्टिसिपेटिंग आप लोग थम्स अप देते रहिए आपको समझ में आ रहा है और कुछ क्वेश्चन है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उसको सॉल्व कर दिया जाएगा उसके बाद में देखिए ये जो आपके सामने डायग्राम है वो सिर्फ थार मरुस्थल का एक पार्ट है ये दिख रहा है एक काट दिया गया है तो एक काटा इसलिए है कि यहां पर जो है यहां तक जो है थार मौजूद है रेगिस्थान का अवशेष या जो प्रोमिनेंट है बहुत ज्यादा है वो तो यहाँ इस साइड है जैसलमेर की तरफ बट ये जो पूरा एरिया है ये पूरा माना जाता है थार डेजर्ट का ही एक पार्ट है शुष्क प्रदेश इसको कहा कहते हैं क्या कहते हैं शुष्क प्रदेश एरिड रीजन इन इंग्लिश अंडरस्टूड तो ये जो लाइन है कि कितनी डिस्टेंस कितनी है पता है आपको थ्री हंड्रेड किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लंबाई है के रेगिस्तान की और नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ है वो है सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी छह सौ चालीस किलोमीटर्स ओके ठीक है चलिए और कल मैंने आपको अक्षांश और देशांश ही बताया था इनका कि किस किस चीज की लोकेटेड के बीच में तो तीस डिग्री नॉर्थ आपको दिख रहा है थर्टी डिग्री ये रहा 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर और ये 70 डिग्री तक 70 डिग्री तक पहुंचा हुआ है नॉर्थ से ईस्ट में और ईस्ट से वेस्ट से है 69 ये जो है ना इसका 70 डिग्री के लगभग और ये 69. डिग्री 30 ईस्ट ईस्ट और ये तो इस ये इस जो है एंड इसके वैल्यूज हैं आपको पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बीच में जो है राजस्थान का वेस्टर्न जो एरिड रीजन है शुक्ष्म प्रदेश है वो मौजूद है तो आपको ये सही करके आना है अंडरस्टूड चलिए और आपको मैंने कल भी बताया था कि ये खुद आपको दिख रहा होगा राजस्थान के एक तरह से 60% परसेंट के अंदर जो है शुष्क प्रदेश है तो 61.11% परसेंट जो जनसंख्या है वो राजस्थान के मतलब डेजर्ट इलाके में रहती है तो आपको जानकर एक मैं पॉइंट बताता हूं कि राजस्थान के रेगिस्तान को सबसे धनी रेगिस्तान कहा जाता है क्या कहा जाता है धनी रिच रिच डेजर्ट कहा जाता है रिच डेजर्ट रिच डेजर्ट का क्यों मतलब है क्योंकि यहां पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन मतलब मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट है दुनिया का कि ऐसी ऐसा desert, ऐसा डेजर्ट रेगिस्तान जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या का निवास है ठीक है तो ये क्वेश्चन अगर आपके आ जाए एग्जाम के अंदर तो आपको सही करके आना है थार डेजर्ट है मोस्ट पॉपुलस सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जनसंख्या वाला रे, रेगिस्तान है क्षेत्रफल मैंने बताया था कल भी आपको मैं वापस लिख देता हूं ये थार डेजर्ट का है और टोटल कितना 2.13 टू पॉइंट वन थ्री लाख टोटल शुष्क प्रदेश जो फैला हुआ है वो दो पॉइंट वन एक तीन लाख में है स्क्वायर किलोमीटर और जो थार का रेगिस्तान है वो एक लाख पिचहत्तर हजार किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है ओके चलो उसके बाद में ये देखिए ये जो लाइन खींची गई है वो इसलिए कि ये डिवाइड करता है ईस्ट राजस्थान को वेस्ट राजस्थान से ये जो लाइन है ये डिवाइड करती है बारह जिले आते हैं इधर और जो रेस्ट है वो इस साइड ईस्ट की तरफ ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है ये माउंटेन जो अरावली की है पर्वतमाला उसके बाद में एक शब्द आता है मार्च ऑफ राजस्थान देखिए मार्च ऑफ राजस्थान क्या होता है राजस्थान का रेगिस्तान का मार्च बोलते हैं इसको ये, ये है कि सबसे पहले तो राजस्थान के जो ये मरुस्थल है इसका ढाल कैसा है ढाल कैसा होगा देखिए ढाल जो है वो इस तरह इस तरह से है साथ साथ में बनाते जाइए आप भी नोट्स ओके तो ये जो है राजस्थान का ढाल है नॉर्थ ईस्ट यानी नॉर्थ ईस्ट से तो, साउथ वेस्ट ये इसका ढाल होगा और ये अपना नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ तो स्लोप कैसे हो है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जो है ढाल है राजस्थान के ईस्ट का रेगिस्तान का और जो विंड फ्लो होती है जो पवने पवन पवन हवाएं जो ब्लो होती है वो किस तरह से होती है देखिए वो किस तरह से होती है साउथ वेस्ट से दक्षिणी पूर्वी से नॉर्थ उत्तरी पूर्वी तक साउथ साउथ सॉरी वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ होती है जो विंड ब्लो होती है तो ये याद रखना है क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट तो स्लोप कैसे है नॉर्थ ईस्ट से उत्तरी पूर्वी से दक्षिणी पश्चिम और विंड का जो फ्लो होता है इस रीजन के अंदर नॉर्मली वो दक्षिणी पश्चिम से उत्तरी में होता है तो ये आपको हम्म यस गुड गुड इस तरह से कमेंट बॉ बॉक्स है इसको एकदम एनरिस्ट रखिए ठीक है बहुत अच्छा लगता है आप लोग पार्टिसिपेट करते हो तो और आपको पता है डिवाइड लाइन कौन सी है इस तरह से दिस इज द डिवाइडिंग लाइन चलिए सबसे ज्यादा जो मार्च होता है सबसे ज्यादा जो ड्यूरेशन होती है विंड फ्लो की वो कौन सी है मार्च से लेके जुलाई के अंदर सबसे ज्यादा हवाओं का प्रवाह होता है दक्षिणी पश्चिम से उत्तरी पूर्वी के और सबसे ज्यादा जो रेगिस्तानी का जो रेगिस्तान का जो आवरण है वो कहां है सबसे ज्यादा फ्लो किस साइड होता है नाचना नाम की जगह है नाचना क्या है नाचना जैसलमेर के अंदर एक जगह है वहां पर सबसे ज्यादा प्रवाह होता है ओके और इस प्रवाह से कौन कौन से राज्य इफेक्ट होते हैं आप खुद सोचिए ये नॉर्थ ईस्ट से जब जाएगी तो ये किसमें एंटर करेगी हरियाणा के अंदर एंटर करेगी और पंजाब के अंदर एंटर करेगी विंड तो कौन सी जो है स्टेट्स वो अफेक्ट होते हैं पंजाब और हरियाणा ओके चलो अब देखिए रेनफॉल मतलब इस जो शुष्क प्रदेश के अंदर जो वर्षा होती है वो कितनी होती है एवरेज रेनफॉल है ये जीरो से पचास सेंटीमीटर के बीच के अंदर इस एरिया के अंदर इस रीजन में इस प्रदेश के अंदर रेनफॉल होती है वर्षा होती है तो याद रह जाएगा ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं जीरो टू फिफ्टी जीरो टू सेवेंटी या फिर हंड्रेड टू वन फिफ्टी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको फिर है यहां पर मतलब किस तरह की मिट्टी पाई जाती है इस प्रदेश के अंदर किस तरह की मिट्टी पाई जाती है सैंडी जिसको बालू कहते हैं बालू बलुई ठीक है जैसे देखो बलुई बलुई को क्या कहते हैं लूमी सोयल ठीक है लूमी सोयल सैंडी सोयल, सोयल और एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स ये जो है यहां पर मुख्य जो सोयल्स हैं मृदा पाई जाती है मिट्टियां पाई जाती है। ओके चलो और ये जो सेशन है ना बहुत हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यूजफुल है बिकॉज हम लोग जो है बस लिखा हुआ थोड़ा सा इंग्लिश में है बट मिक्सिंग चलती है इतना तो थोड़ा सा चलता रहता है इंग्लिश जिसको बोलते हैं वन लोग वो चल रहा है क्योंकि सारा जो बोल रहे हैं वो हिंदी में ही और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो पूछ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें जस्ट बिकॉज की जो वर्डिंग्स है वो इंग्लिश में है इसका मतलब ये नहीं की हिं, सर तो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं दोनों चल रहा है ठीक है अमृदा है बलुई मिट्टी सब चल रहा है ठीक है चलो और सबसे ज्यादा सोयल कौन सी पाई जाती है एंटी सोल पाई जाती है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैं स्टार इसका पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा

ये देखिए कहां तक पहुंचे हैं हम लोग हाँ हम लोगों ने मृदा के सॉइल के बारे में जान लिया उसके बाद में यहां पर कौन सी क्रॉप सबसे ज्यादा होती है आपको सबको पता है बाजरा बाजरा यहां पर होता है सोरगम जिसको जवार बोलते हैं गुवार किसको बोल गुवार का इंग्लिश में क्या होता है मतलब क्लस्टर बीन्स बोलते हैं गवार को ग्रीन ग्राम जो मूंग होती है वो मोट मेजीज जिसको चना बोला जाता है पीनट्स मूंगफली और और भी जो मोटे अनाज होते हैं वो राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं अंडरस्टूड नहीं दिस इज यूजफुल मीडियम्स हिंदी के लिए भी ठीक है अब बाजरा है तो बाजरा में पढ़ इतना तो पढ़ सकते हो तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश चलता है है मिक्सिंग चल रही अब मैं प्योर हिंदी इंग्लिश में थोड़ी समझा रहा हूं आपको ओके चलो तो बाजरा ग़वार चना मूंगफली और जो भी मोटे अनाज होते हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं ठीक है थीक्या? उसके बाद में यहां पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से प्लांट्स है? देखो, प्लांट्स हैं देखो की दो जो ट्रीज पाए जाते हैं पर उनकी दो जो है विशेषताएं है होती हैं सबसे पहले तो एक गहरी होगी उनकी जो जड़ें होंगी वो गहरी होगी और बहुत ही वाइड स्प्रेड होगी बहुत लंबे जो धरातल में फैले हुई होगी क्यों होगी क्योंकि वहां पर पानी की कमी है तो पानी की कमी होने की वजह से क्या होता है वो जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो पानी ढूंढने के लिए वो दूर दूर तक फैलती हैं कि कहीं भी पानी मिल जाए तो तो वहीं जड़ों जड़ है वो गहरी होती है और बहुत ही वाइड स्प्रेड है बहुत ही आ, लंबे दूरी तक फैली हुई रहती है दूसरा इनका जो तना होता है वो फ्लैशी होता है और फुल ऑफ ट्यूबरकल्स इसका मतलब ये है कि जो यह है इसको जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग एग्जाम्पल गाठा होता है एलोवीरा यू ऑल हैव हर्ड अबाउट एलोवीरा राइट right? एलोवीरा में क्या वो गूदा होता है ना उसके अंदर वो तो वो क्या है वो ये है कि जो एलोवीरा है वो एक डेजर्ट प्लांट है उसके अंदर वो स्टोर करके रखता है वो जेल लाइक -like स्ट्रक्चर होता है वो जेल लाइक फॉर्मेशन होता है उसके अंदर तो वो वो स्टोर करके रखता है कि इनकेस क्योंकि कई कई दिनों तक पानी नहीं मिलता है एलोवेरा को तो आप देखेंगे तो तो ये एलोवेरा जो है वो आप राज, राजस्थान के या फिर जो भी डेजर्ट इलाके होते हैं वहां पर पाया जाता है ओके चलो कुछ कुछ एग्जाम्पल में बताता हूं खेजड़ी बबुल सबुल जो विलायती किकर बोलते हैं जिसको विलायती किकर फिर आता है केर फिर आता है बेर नागफनी गंवार पाठा मैंने बताया एलोवेरा और आख आख तो सबका दिखा हुआ है अपने जो राजस्थान में जो है वो सबका दिखा हुआ है और जाल तो ये जो ट्रीज हैं ये पाए जाते हैं कहां पर अपने रेगिस्तान के अंदर कौन कौन से ट्रीज है रिपीट करिए मेरे साथ खेजड़ी बबुल कीकर केर बेर नागफनी और गवार पाठा तो ये जरूर आपको याद रखने उसके बाद में एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं डेजर्ट केट कैट डेजर्ट फोक्स फिश डेजर्ट फिश मतलब ये आ, कौन सी है जो फिश में जो डेजर्ट होती है मतलब जो भी वहां पर कोई है पानी का कोई स्रोत है वाटर बॉडी है कोई वहां पर तो वहां पर जो फिश पाई जाती है वो किंकारा नील गाय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्वेश्चन आया था इस बार एग्जाम के अंदर कि ये क्या है स्टेट एनिमल ऑफ स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान राजस्थान का स्टेट बर्ड है गोडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं और आपको जो है इसका नंबर बताऊं मैं कितने नंबर में बचे है? सिर्फ 150 गोडावन बचे हुए हैं पूरे इंडिया में वो भी सारे के सारे राजस्थान के अंदर ही है और सब जगह वो विलुप्त हो चुके हैं एक्सटिंट हो चुके हैं कैमल गोट शीप तो ये सारे के सारे देखिए डेजर्ट एनिमल्स हैं वो अपने मरुस्थल में पाए जाते हैं ये सारे नहीं पाए जाते हैं ये सिर्फ ये डेजर्ट की बात हो रही है तो थार में में है वो ये पाए जाते हैं उसके बाद में, हमारे यहाँ घास होती है वो सेवन सेवन घास धमन मूरत बूर ओलेवारी मोबिया और अंजन ये जो है घासों के प्रकार है ग्रास के प्रकार है ठीक है याद रह जाएंगे थोड़ा सा इनको रिवाइज करना पड़ेगा आपको तो या तो इस वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख लेना या फिर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना सेवन धमन मोबिया और अंजन तो ये आपको याद रखने ठीक है यहां पर राजस्थान के अंदर जो काउज होती है ये देखो घासों के प्रकार है ये मैं आपके लिए, लिए एक फोटो है जिससे तो थोड़ा सा दिमाग में रहे और यहाँ पर जो काउज होती है जो गाय होती हैं उनकी नस्ल कौन सी पाई जाती है थार पार कर साहिवाल ये देखो थार पार कर रही और साहिवाल ये रहा ये रही राठी भी राठी इसमें है नहीं तो ये सारी की सारी जो गायें हैं वो अपने यहाँ पर जो है पाई जाती है ये देसी गायें होती हैं उसके बाद में एक जो स्नेक्स पाए जाते हैं बहुत ही पॉइजनस स्नेक्स होते हैं जैसे कि पिवाणा एक स्नेक होता है अब आपको लग रहा हो कि भी ये किसकी फोटो है ये आईएफएस में जो जुलॉजी डॉक्टर राकेश जी हैं राकेश सर हमारे जुलॉजी के प्रोफेसर हैं आईएफएस के अंदर वो जो है सांप उनको सांप पकड़ना मतलब उनको उनके ऊपर रिसर्च करना उनका जो रिसर्च है वो भी पूरी तरह से सांपों के ऊपर है तो ये सर की फोटो है और आप देखिए इन्होंने वो जो है वाइपर ही आ, जो इस, सो स्केल्ड के वाइपर ही उन्होंने पकड़ रखा है तो आ, इस तरह से जो वाइपर है ये वो जैसलमेर जाकर ही उन्होंने ये एक फोटो उनकी मुझे मिली है तो मैंने आपके सामने इसको रखा है ठीक है अब देखिए उसके बाद में जैसे कि कई तरह अब ये इतना छोटा सा पोर्शन है हम लोगों ने जो पढ़ा है ना वो टाइम कंस्टेंट होने के कारण बहुत कम पढ़ा है बस ऊपर ऊपर से ओवर थोड़ा सा देखा है बहुत ज्यादा इसमें डिटेल्स होती हैं जो हमारे बैचेस में हम लोग करवाते हैं क्योंकि उसमें खूब हमारे पास समय होता है क्योंकि वो बैच होते ही उसके लिए आरपीएससी के लिए तो रण अब जो होते हैं ना रण रण का कच्छ का रण है इस तरह से अब नहीं यहाँ पर भी रण है बालू का तरह तरह के स्तूप है कौन से युक्त है कौन से नहीं है और मरुस्थल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और जो आपको देखा बारह जिलों में मरुस्थल फैला हुआ है मतलब जो शुष्क प्रदेश है वो बारह जिलों में फैला हुआ है तो वो बारह जिले हर जिले के अंदर हम लोग जो है उसको डिटेल में जानते हैं क्योंकि तभी वो पूरी तरह से प्रिपरेशन तभी हो पाती है ओके okay? आपको मैंने बता दिया पीडीएफ चाहिए तो आप एप्लीकेशन में भी जा सकते हो और टेलीग्राम पे भी जा सकते हो आरपीएससी के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं ज्योग्राफी के अलावा और भी सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में थे वो सारे के सारे इकोनॉमिक्स हैं बिज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जूलॉजी बोर्डनी और मैनेजमेंट वगैरह सबके जो बैचेस हैं आईएफएस ने स्टार्ट कर दिए हैं तो आप जल्दी से एनरोल कीजिए क्योंकि अक्टूबर के अंदर सरकार ने जो इसकी डेट तय कर दी है दूसरा यह है क्योंकि अक्टूबर में होने की इसलिए संभावना ज्यादा है क्योंकि चुनावी साल है तो आप इसको दिमाग में रख के कीजिएगा अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए किसी भी कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा हो यूजीसी नेट की कर रहा हो सेट की कर रहा हो या फिर मध्य प्रदेश का सेट आ रहा है उसका एग्जाम राजस्थान जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इसके टेस्ट सीरीज हमारे अप्लीकेशन के ऊपर लाइव है आप जाकर अटेंड कर सकते हैं और अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो कुछ कुछ ही दिन में अपडेट हो जाएंगे तो आप चेक करते रहिएगा लीजिएगा ओके चलो अब हम लोग जो आज का जो हमारा सेशन है वो स्टार्ट करते हैं अरावली माउंटेन रेंज मतलब अरावली का जो प्रदेश है उसको हम लोग पढ़ेंगे तो आपके सामने जो डायग्राम है वो अरावली का ही है अरावली प्रदेश अब देखिए जो अरावली हमारी जो पर्वतमाला है वो वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सबसे मतलब टॉप टेन के अंदर मतलब कुछ भी है बट खूब बहुत ही पुरानी सबसे ओल्डेस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट पर्वतमाला है दुनिया के अंदर तो कोई सोचे कि वो पर्वत पर्वतमाला है तो पर्वतमाला पर आइस कैप्स होंगे स्नोफॉल होगी ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये जो पर्वतमाला है अब आ, जो डिग्रेड हो चुकी है बहुत पुरानी होने के कारण इरोजन होने के कारण ये पूरी तरह से एक तरह से इसकी जो एवरेज ऊंचाई है ना एवरेज ऊंचाई ही 950 मीटर 950 मीटर एवरेज ऊंचाई है अरावली की एक पर्वतमाला होते हुए इसकी जो ऊंचाई है सबसे जो ऊंची चोटी आपको पता है गुरु शिखर है आप सब लोगों को पता होगा गुरु शिखर सिरोही के अंदर सिरोही जिले में मौजूद है एक हिल स्टेशन है अपने यहाँ राजस्थान का इसका जो ऊंचाई है वो है एक हजार सात सौ बेहत्तर मीटर इतनी ही इसकी ऊंचाई है बस तो आप खुद देख लीजिए ये पर्वतमाला कहना लेकिन लायक ही नहीं बची है इतनी जो हम लोग अब अरावली देख रहे हैं वो सिर्फ एक अवशिष्ट बचा हुआ है इसीलिए अरावली को अवशिष्ट पर्वतमाला भी कहा जाता है ये क्वेश्चन आया हुआ है इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिडुअल रेजिडल माउंटेन क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से निम्न में से कौन सी पर्वतमाला रेजिडुअल अवशिष्ट पर्वतवाला के नाम से जानी जाती है तो वो है अपनी अरावली ने, नेचुरल तरीके से तो हो ही रही है खत्म हम लोग जो ह्यूमन एक्टिविटी है हमारे मानव जो विकास के नाम पर जो इसकी माइनिंग होती है वो भी एक तरह से रिस्पांसिबल है इसके इरोजन का कारण बन चुकी है ठीक है चलो अब आपको बता दें कि जो फॉर्मेशन होता है अरावली का वो किस तरह से होता है देखो एक मिनट ये सबसे प्राचीनतम सबसे एंशियंट मोस्ट एंशियंट पर्वतमाला है पहली बात तो ये फैक्ट हो गया दूसरा ये है कि इसका जो ओरिजन है इसका जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ प्री कैम्बियन एज प्री कैम्ब्रियन युग इसको बोलते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो पहले तो ये पूछ लेते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है उसका फॉर्मेशन जो उसका ओरिजिन है वो कब हुआ प्री कैम्ब्रियन एज के अंदर हुआ याद रह जाएगा आपके ये देखिए जैसे मान लो ये अगर धरती का ओरिजिन है ये जो युग है वो है प्री कैम्ब्रियन रावली प्राचीनतम ठीक है उसके बाद में जो हिमालय है वो यहाँ आता है हिमालय तो अभी भी यंगेस्ट माउंटेन सिस्टम के अंदर आता है हिमालय का नाम मतलब सबसे जवान जो पहाड़ है पर्वतमाला है वो उन उनमें से शुमार है हिमालय क्योंकि हिमालय जो है अभी भी बढ़ रहा है वो और क्यों बढ़ रहा है क्योंकि जो इंडियन प्लेट है इंडियन प्लेट वो यूरेशियन प्लेट के अंदर अभी भी जो है कन्वर्स कर रही है कोलाइड कर रही है और उससे क्या है जो माउंटेन्स है वो अभी भी ऊपर सरक रहे हैं ठीक है थीके? तो कुछ जो रिसर्च है नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो एट एट फोर एट मीटर है बट रिसेंट में जो सर्वे हुआ है उसके अंदर ऊंचाई आई है आठ आठ पाँच जीरो मीटर समझ रहे हो दो मीटर तक ऊंचाई बढ़ गई है और अरावली क्या हो रहा है अरावली के साथ उल्टा हो रहा है तो अपने इंडिया में सबसे यंग भी मौजूद है और सबसे ओल्डेस्ट भी मौजूद है वैसे तो जो है अरावली सॉरी मा, जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल के अंदर है बट हिमालय हमारे भी मौजूद है ओके चलो उसके बाद में ये देखिए ये जो है हिमालय आपको मैं दिख तो रहा हूं ना मेरे पीछे तो नहीं छुप जा रहा है एक मिनट ओके आई विल टेक केयर अबाउट इट चल ये कौन सी है ये नवीनतम ओके सत्तावन करोड़ मतलब फिफ्टी सेवन करोड़ उसके बाद में साढ़े बाईस करोड़ ये साल हैं वेट वेट कीजिए पता चलेगा आपको ये उत्पत्ति दर्शाई जा रही है कि कब उत्पत्ति हुई थी आप खुद देखिए जो हिमालय की उत्पत्ति है वो कहा जाता है कि 6.7 करोड़ साल पहले की है पर आप ये देखिए अरावली को देखो इतनी ज्यादा पुरानी है कि सत्तावन करोड़ तो यहां है प्री कैम्ब्रियन एज के अंदर अरावली की उत्पत्ति हुई थी तो आपको समझ में आ रहा है कितना पुराना है अरावली इसको अपन फर्स्ट एज कहते हैं प्रथम युग ये हो गया सेकंड एज ये थर्ड एज और ये जो है फोर्थ एज सेकेंड फोर्थ एज ठीक है और फोर्थ एज जो थी वो अपनी दस लाख साल पुरानी टेन लैक्स ईयर और अभी वर्तमान में 2023 चल रहा है तो ये जो ये जो अपनी फॉर्मेशन है इस तरह से आपको देखना है कि इस तरह से अरावली ये प्रेजेंटेशन इसलिए दिखाया गया है क्योंकि इसी तरह से आपको याद रखना है जिससे कि वो पूछ सके ओके okay? पूछ लेंगे तो आपको करना है कि कौन सी एज कौन सी में थी थर्ड एज फोर्थ एज अगर आपको ये पूछ दे कि जो नवीनतम हिमालय है वो कौन से एज में बना था तो वो थर्ड एज जो छह करोड़ वर्ष पूर्व में इसका निर्माण हुआ था उसके आसपास ये कहा जाता है अंडरस्टूड चलो और धरती की जो आयु है वो कितनी है फोर पॉइंट सिक्स जिसको वर्ष ये अपने धरती की एज है ओके okay? सब लोग लाइक जरूर कीजिएगा सेशन को उसके बाद में देखो जब अरावली का मतलब निर्माण हुई थी जब ओरिजिन हुआ था उसका जब निर्माण के समय कैसी थी अरावली निर्माण के समय अरावली कैसी थी कोई बता सकता है कमेंट में ओरिजिन के टाइम पे भी थोड़ी इतनी छोटी सी थी कि लेस देन एक हजार मीटर की इसकी एवरेज ऊंचाई हो ये थोड़ी था सब लोग बताइए कि निर्माण के समय अरावली कैसी थी निर्माण के समय अरावली भी दूसरों दूसरे माउंटेन्स की तरह ही थी और वो भी पूरी तरह से जो है फोल्ड माउंटेन है वो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इसका कि जो अरावली पर्वतमाला है वो फोल्ड माउंटेन है जैसे कि इसको कहते हैं वलित हिंदी में मोड़दार पर्वतमाला अंडरस्टूड तो फोल्ड माउंटेन अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि जो अरावली है उसका ओरिजिन के समय वो किस तरह किस तरह की माउंटेन थी वो फोल्ड माउंटेन थी वलित और जो मोड़ देखो इस तरह से ये ठीक है ना जब दो कोलाइड करते हैं तो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है उससे क्या होता है आप जब अब खुद, खुद देखिए अगर किसी चीज को आप इस तरह से प्रेस करोगे तो उसमें एक तो नीचे बन जाएगा एक ऊपर भाग बन जाएगा तो इसको हम लोग जैसे बोलते हैं जियोग्राफी के अंदर इसको बोलते हैं एं, और ये जो पोर्शन होता है बेस वाला इसको बोलते हैं सिंक्लाइंस बस इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए ठीक है जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन और वर्तमान समय में अरावली किस तरह से हो गई है वर्तमान समय में आपको मैंने बताया अवशिष्ट अपशिष्ट जो पर्वतमाला है वो हो गई अवशिष्ट पर्वतमालाएं कौन सी होती है जिनके छोटे 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 पहाड़ी नुमा है वो अः जो पर्वतमालाए रह जाती है छोटी छोटी पहाड़ियां रह जाती है ओके अवशिष्ट पर्वतमाला रेसिड्यूल ओके चलो इसके जो उदगम हुआ कैसे ये आई कहां से राजस्थान के अंदर एक्जैक्टली ये आई कहां से देखो इस, इस तरह से आई है जैसे हम लोग एक आ, इंडिया का मैं आपको मैप मैप से समझाता हूं इसको जैसे ये एक इंडियन पेनिनसुला है आपके सामने ओके अब क्या हुआ अरावली कहां है अरावली इस तरह से मौजूद है अब और यहां क्या है अरब सागर अरेबियन सी है यहां पर और यहां पर बेओ बंगाल बंगाल की खाड़ी ओके अब जब रिसर्च हुआ उससे पता चला कि जो अरब सागर के अंदर तक इस तरह ये खाड़ी मतलब ये जो अरावली है इसका जो उद्गम है मतलब ये कहां से है अरेबियन सी के अंदर भी इसके अवशेष है इसका मतलब ये ये पूरी पहले ये पूरा एक माउंटेन रेंज था अब ये जाके सब मस्त हो गया डूब गया अरेबियन सी में और जो आपको अभी जो अरावली पर्वतमाला दिख रही है वो अरेबियन सी के अंदर जो सी माउंट्स हैं जो समुद्र के अंदर माउंटेन हिल्स पाए गए हैं उसी का एक एक्सटेंशन था ओके और कहां तक कहा से फैली हुई है दिल्ली तक फैली हुई है तो ये इस तरह से अरावली का उद्गम इस तरह से माना जाता है तो अगर आपको ये पूछ ले कि जो अरावली का जो गर्भ रह होता है मतलब जो ओरिजिन होता है वो क्या है अरेबियन सी है। आप क्या बोलेंगे अरेबियन सी अरब सागर याद रखिएगा और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर गर्भगृह वाला क्या है अरेबियन सी ठीक है समझ में आया कमेंट में बताइए अगर ये, समझ में आ गया तो यस बताइए ओके चलो अब और मैंने बता दिया किस तरह से बना था ये फोल्ड फोल्ड जो होता है फोल्ड एंड फोल्ड दो तरह के कॉन्सेप्ट होता है ज्योग्राफी के अंदर जो फोल्ड होते हैं वो ये जो क्रिया है ये जो एक्टिविटी है इनके कारण हुआ है टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण इसका निर्माण हुआ है संपीड़न क्रियाएं ओके अब इसके कुछ निकनेम्स जानते हैं आप लोगों को पता है अरावली के निकनेम्स कुछ-कुछ उपनाम जिसको बोलते हैं कोई बता सकता है उपनाम बहुत ही ज्यादा जो है गहरे विचार में डूब गए वो सब के सब लोग कि यस नो भी नहीं बता पा रहे हो उपनाम इसका है परिपत्र पुराणों के अंदर जो नाम पाया गया है वो क्या क्या नाम पाया गया है परिपत्र पाया गया है क्या पाया गया है परिपत्र, गया है। गया है? परिपत्र। और स्थानीय नाम क्या है आडावल परिपत्र और आडावल ये क्या है लोकल नेम है स्थानीय नेम है स्थानीय नाम और ये आड़ावल क्यों रखा गया है क्योंकि आडावल की जो पहाड़ी है उसके नाम पर ये बूंदी जो बूंदी एक जिला है राजस्थान के अंदर उसमें आड़ावल की पहाड़ी है आड़ावल की पहाड़ी या पठार बोल देते हैं आड़ावल का पठार या फिर पहाड़ी समझ में आया तो इसलिए इसका नाम क्या है कि आड़ावल नाम से इसको जाना जाता है चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखिए ये कहां से कहां तक फैला हुआ है ये जो बॉर्डर है इसका अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं ना बस सिर्फ राजस्थान राजस्थान में विस्तार की बात कर रहे हैं जो अरावली अरावली है अरावली का जो विस्तार है वो सिर्फ राजस्थ राजस्थान के अंदर राजस्थान राजस्थान में कहा है कहां से स्टार्ट होता है ब्रह्मा वैसे ये गुजरात है ब्रह्मा ब्रह्म माउंट आबू से स्टार्ट होती है सिरोही से स्टार्ट होता है यहां पे सिरोही है यहां से ही स्टार्ट होकर से माउंट आबू से स्टार्ट होकर और ये खेतड़ी जो कि झुंझुनू प्रदेश है उस झुंझुनू जिला है उसके अंदर मौजूद है वहां तक ये फैली हुई है अरावली ठीक है अंडरस्टूड समझ में आया कहां से राजस्थान के अंदर अरावली का विस्तार कहां से कहां है माउंट आबू से लेकर माउंट आबू कहां है सिरोही के अंदर और खेतड़ी कहां है झुंझुनू के अंदर है आपको पता है खेतड़ी बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्लेस है जगह है जहां पर कोपर माइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है हर बार ठीक है ना वहां पर जो एक खदान है तांबे की खदान के लिए बहुत फेमस है पहले ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थी बहुत ज्यादा वहां पर वहां पर एक कॉपर नाम का मैं बता दूं कि झुंझुनू के अंदर कॉपर नाम का एक गांव है नाम ही कॉपर रख दिया वो इंग्लिश नेम है एक तरह से और वो इसलिए लिखा गया कि जो खेतरी माइन्स में जो काम करते थे उन वो कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना पहले बहुत बड़ी माइनिंग थी अब तो ये बहुत इसकी दुर्दशा हो रखी है कॉपर गांव है तो वहां पर कोपर जो माइनी में काम करने वाले लोग हैं उन लोगों के द्वारा बसाया गया वो गांव है तो कोपर गांव ठीक है yes. यस उसके बाद में यहां तक किसी को क्वेश्चन है पूछ लो यहां से यहां तक किसी को क्वेश्चन है बताइए ये तो अपने राजस्थान का विस्तार था उसके बाद में अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि वैसे विस्तार कहां से कहां तक है इंडिया के अंदर विस्तार कहां है तो इस तरह से मान लो मैं अगर राजस्थान का ये मैप बनाऊं ठीक है राजस्थान का मैप है उसकी भी एक अलग से क्लास लेंगे राजस्थान के मैप को किस तरह से हम लोग अच्छे से बना सकते हैं कि हमारे हर जगह काम आए ये जो मेंस के आंसर राइटिंग होती है कोई भी कोई बच्चा अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है आर एस की आर एस की वैकेंसी आ रही है उसकी प्रिपरेशन कर रही है उसको मेन्स आंसर राइटिंग के अंदर और वैसे भी जनरली भी हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से राजस्थान का मैप बनाया जाता है उसके ऊपर अलग से एक सेशन लेंगे ओके अब देखो जो इस तरह से है जो अरावली है ना वो तानपुरा जो इंस्ट्रूमेंट सुना है आप लोगों ने देखा है आप लोगों ने किसी ने तानपुरा उस तरह से इसका शेप है अरावली का तो अपने इंडिया के अंदर विस्तार कहां से कहां है अरावली का देखिए रायसीना हिल रायसीना हिल्स आपको एक आप जो हमारे यहाँ रील्स भी चेक करते रहिएगा जो भी हमारे रील्स होते हैं इसके जो आर के अंदर हम लोग अपलोड करते हैं तो उसमें भी मैं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो आज का जो रील था उसको जाकर देखिए उसमें मैंने रायसीना हिल्स के बारे में बताया कि जो अपना राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल्स के अंदर ही जो है बना हुआ है वहीं पर बना हुआ है रायसीना हिल्स के जो है उसके आसपास है या वहीं पर प्रेसिडेंट जो अपना रेजिडेंस है राष्ट्रपति भवन है ओके तो लिख लीजिए राष्ट्रपति भवन प्रेसिडेंट हाउस इसको लिख लो पीएच में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं दिल्ली में मौजूद है तो जो और कहां से स्टार्ट होती है पालनपुर पालनपुर गुजरात ठीक है पालनपुर गुजरात से अरावली है वो स्टार्ट होती है और कहां जाकर खत्म होती है रायसीना हिल्स में और शेप कैसी होती है उसकी जो अपना तान पूरा होता है इंस्ट्रूमेंट की चोरी होती हुई और नैरो तक जाती रहती है ठीक है आपको ये सेशन प्रोडक्टिव लग रहा है तो कमेंट कीजिए कि यस यर ये आपको ये सेशन प्रोडक्टिव लग रहा है तो जरूर सबके सब लोग जो है यस टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में ठीक है साउथ वेस्ट से लेकर और किस तरह से है उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट इस तरह से ये फैला हुआ है उसके बाद में जैसे कि अब जैसे मान लो ये इस तरह से अरावली का विस्तार है ठीक है अब अरावली क्या करती है अरावली की वजह से ये जो वेस्ट के अंदर जो मरुस्थल है ना अपना डेजर्ट जो है हार डेजर्ट है इसको कहां है ये वेस्ट के अंदर मौजूद है अरावली की वजह से ये जो रेगिस्थान है वो पश्च मतलब जो पूर्वी राजस्थान के अंदर एंटर नहीं हो पाता है ओके जो डेजर्ट है वो वेस्ट में है अरावली के ये दक्षिण पश्चिम से नॉर्थ ईस्ट की तरफ उत्तर पूर्व से चलने से जो वेस्ट का जो डेजर्ट है वो वही का वहीं रह जाता है अरावली की वजह से जो ईस्टर्न राजस्थान है पूर्वी राजस्थान है वो सेफ रहता है समझ में आया और तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईस्ट इस, ईस्टर्न राजस्थान को वेस्टर्न राजस्थान से कौन अलग करता है अरावली करती है दूसरी ये है कि जो आ, जो रिवर्स जो नदियां इधर बहती हैं मतलब नदियों का जो प्रवाह होता है ना वो भी अरावली के द्वारा ही आ, जो है किया जाता है डिसाइड किया जाता है कि अरावली ही डिसाइड करती है कि कौन सी जो नदी है वो किस तरफ गिरेगी किस तरफ जाएगी तो ये जो प्रवाह होता है वो भी अरावली के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है ओके okay, यहां ना कई तरह की झीलें हैं बांध हैं आप देखिए उदयपुर इधर घूमने जाए साउथ राजस्थान तो आपको लगेगा ही नहीं कि डेजर्ट एरिया है बिकॉज ऑफ द अरावली अरावली की वजह से इतने ज्यादा वहां पर झील झील हैं बांध हैं लेक्स डेम्स ठीक है ना वाइल्ड लाइफ जो है बहुत ज्यादा है उस साइड जनजातियां जैसे भील जनजाति है वहां पर प्रोमिनेंट जनजाति है भील जनजाति तो इसको याद रखिएगा भील जनजाति को ठीक है और कौन सा जातियां रहती हैं यहां पर देखो भील रहती है मीना ग्रासिया डामोर हम्म कथोड़ी ये जो है जनजातियों के जनजातियां अरावली प्रदेश के अंदर निवास करती है तो ये जरूर आप ध्यान दीजिएगा जरूर इसको याद कीजिए, ठीक है और मैं जल्दी से आपको ये बता दूं कि जैसे मान लो ये इंडिया है मैं जल्दी से एक ऐसे ही डायग्राम बना रहा हूं तो जब अपनी मानसून की जो मानसून आता है तो अरावली के इसकी वजह से साउथ वेस्ट से नॉर्थ पूर्व उत, आ, उत्तरी पूर्व में शेप होने की वजह से जो जून के अंदर जो मानसूनी हवाएं आती है उसको अरावली रोक नहीं पाती है वो ऐसी कैसी जाकर और सीधी हिमालय के ऊपर टकराती है और वही बारिश करती है पर वही जो जब एक महीने बाद में ये जब इस तरह से रिवॉल्व करता है मानसून जो अभी चल रहा है आप नोटिस कर लेना वो केरल के अंदर तो जून के अंदर आ गया था राजस्थान के अंदर अभी क्यों आ रहा है क्योंकि ये इस टाइम इस आ, जून के अंदर जो हवाएं थी उसको अरावली रोक नहीं पाई थी पर जो जुलाई के अंदर जो हवाएं डायवर्ट होकर अरावली की तरफ आती है तो अरावली क्या करती है अरावली उसको रोकने का काम करती है यहां पर और फिर यह टकराती है मानसूनी हवाएं और राजस्थान के अंदर बारिश होती है अगर आप सपोज कीजिए कि अगर अरावली नहीं होती तो अपने राजस्थान के अंदर मानसून की बरसात ही नहीं होती ठीक है अब देखिए छोटी सी चीज बच गई है उसको हम कल कवर करेंगे बिकॉज अभी हमारे आ, सर का लेक्चर है नेक्स्ट में राकेश सर आपके जूलॉजी के जो है वो भी सुबह आठ बजे आपके लिए आते हैं जो भी जूलॉजी का बच्चा है वो जरूर उनके क्लास को अटेंड कीजिए बहुत ही प्रोडक्टिव क्योंकि वो प्रैक्टिकल जो है ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं और शाम को तीन बजे नवरत्न सर तो जो दूसरी जो जियोग्राफी जो फैकल्टी है तीन से चार वो इंडिया का ज्योग्राफी लेकर आ रहे हैं जो कि हमारे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है है ठीक तो आप पूरे दिन जो है आई पर एक्टिव रहिएगा और नवरतन सर है वो यूजीसी नेट ज्योग्राफी जो ये चैनल है उसके ऊपर आते हैं क्योंकि आपको पता है सारा उसके अंदर आ, मतलब जो इसमें राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कुछ जो पोर्शन है वही ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान आएगा जो मेजर पोर्शन है वो इंडिया का पूछेंगे यूजीसी नेट जियोग्राफी आई एफ एस इससे आप सर्च करेंगे तो वो आपको चैनल मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर ठीक है जवाब दे दीजिए क्या है आ, हाँ ज़ुलोजी आरपीएससी के लिए है सर है ना शाम सुबह आठ बजे आते हैं ज़ुलोजी के लिए अपने राकेश सर और हम लोग हैं चैनल पर आते कल भी इसी टाइम पर चार से पांच आपको मैं मिलूंगा थोड़ा सा एक पोर्शन रह गया है इसको अपन कंप्लीट करेंगे कि जो डिवीजन है वो हम लोग करेंगे ठीक है है कि कौन सा जो उत्तरी अरावली मध्य अरावली दक्षिणी अरावली ओके और कहां कहां कौन कौन से जिले में फैला हुआ है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टूड और कल जो है इससे आगे वाला जो भौतिक प्रदेश है दो भौतिक प्रदेश कर चुके हैं हम लोग दो बचे हुए एक तो वेस्ट पूर्वी मैदान बचा हुआ है और एक दक्षिणी पठार बचा हुआ है ठीक है तो आई होप कल सब कल सब लोग आएंगे और ये राकेश सर आ गए हैं सर इनको मैंने फोटो दिखाई है आप, आपकी जो सांप पकड़ा हुआ था आपने देखिए ये देखो सर आ गए हैं भिल्कुल, भिल्कुल, भिल्कुल। ये देखिए है। ये सर आपकी फोटो है अरे सर, मेरी फोटो सर, तो सर सांप को पकड़ के इतना खुश कौन होता है मैंने पहली बार देखा है और मेरा

चलो थैंक यू सर ओके सर थैंक यू सो मच कल आप जरूर चार बजे आ जाएंगे और सर के लेक्चर भी होते हैं सुबह आठ बजे से। बिल्कुल सुबह आठ बजे जो जोलॉजी के एक्सपेरेंट्स हैं उनके लिए कम्पेरेटिव ऑडिट्स चल रही है ना तो आप सुबह भी आप अवेल कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एक्सपेरेंट्स है उनके लिए चलिए आज इतना ही कल मिलते हैं